वन मार्क क्वेश्चन किए थे। अभी हम नेक्स्ट जो अपने हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि शीतावकाश क्या होता है, शीत होता है सर्द और अवकाश होता है छुट्टी। तो सर्दियों की जो छुट्टियों में जो लेखिका है डॉक्टर रंजना, वो कहाँ की यात्रा जो है करने का निर्णय लेती है, कहाँ जाने का जो है सोचती है। तो ऑप्शन है जापान, नेपाल, चीन, थाईलैंड। तो जो लेखिका है वो कहाँ जाने का सोचती है, थाईलैंड। उसके बाद दूसरा है पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन होता है जहाँ पर हम यात्रा करने जाते हैं, कि उसकी दृष्टि से थाईलैंड जाने का सर्वोत्तम होता है, सर्वाधिक या अधिक। सर्वोत्तम, अधिक, सबसे जो अच्छा समय कौन सा होता है थाईलैंड जाने का, तो नवंबर से जो फरवरी का समय होता है वो थाईलैंड जाने के लिए सबसे अच्छा जो समय है वो माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अनुमान के मुताबिक हर साल थाईलैंड आने वाले पर्यटकों की संख्या क्या है, कि अनुमानित जो है एस्टिमेशन कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो थाईलैंड आने की जो है संख्या है वो कितनी है, 2,00,000, 15,00,000, 10,00,000, 5,00,000। तो उनकी संख्या है 5,00,000, कि हर साल थाईलैंड आने वाले लोगों की जो संख्या है वो है 5,00,000 की, जो अनुमानित 5,00,000 के लगभग जो है लोग वो थाईलैंड घूमने के लिए आते हैं। और थाईलैंड में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान था उसका नाम था पट्टया, कि डॉक्टर रंजना थाईलैंड जाने के बाद जो है वो पट्टया घूमने का जो है वो सोचती है। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है थाईलैंड का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, कि थाईलैंड में सबसे ज्यादा सर्वाधिक सबसे ज्यादा आबादी किस द्वीप पर है, चांग माई, बैंकॉक, फुकेट और पट्टया। तो सबसे ज्यादा आबादी कहाँ की है, फुकेट की। उसके बाद है थाईलैंड की करेंसी, जैसे इंडिया की करेंसी है रूपी, वैसे थाईलैंड की जो करेंसी है उसका क्या नाम है, बाट। उसके बाद हमारा छठा प्रश्न है मेरी भाई यात्रा पाठ के लेखिका का क्या नाम है, कि जो आपके पाठ पुस्तक के अंदर जो पाठ है मेरी भाई यात्रा, उसकी लेखिका का क्या नाम है, उनकी लेखिका का नाम है डॉक्टर रंजना, डॉक्टर रंजना। उसके बाद हमारा सातवां प्रश्न है लेखिका ने किस ऋतु में विदेश यात्रा करने का सोचा, तो लेखिका ने किस ऋतु में सोचा था, शीतावकाश सर्द ऋतु के अंदर जो है उसने शीत ऋतु के अंदर विदेश यात्रा करने का सोचा था। और विदेश यात्रा वो कहाँ की करने जाना चाहती थी, थाईलैंड की। और थाईलैंड के भी अंदर एक जगह है पट्टया, पट्टया में जो है वो यात्रा करने के लिए पहुंची थी। उसके बाद हमारा आठवां प्रश्न है डॉक्टर रंजना ने कहाँ घूमने का सोचा, तो सबसे पहले वो क्या है, थाईलैंड गई, तो उसने थाईलैंड जो है वो घूमने का सोचा। उसके बाद थाईलैंड से वो आगे पट्टया के लिए रवाना होती है, तो यहाँ है थाईलैंड। सबसे पहले उसने जो है कहाँ जाने का, कहाँ घूमने का सोचा था, थाईलैंड। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है थाईलैंड में वर्षा किन महीनों में होती है, तो थाईलैंड के अंदर जो वर्षा है वो मई से अक्टूबर में होती है। इसके अंदर हमारे जो है वो दो मेन क्वेश्चन बनते हैं, कि एक तो उन्होंने पूछा है कि वर्षा किन महीनों में होती है, ठीक
उसके बाद हमारा इस चैप्टर के अंदर जो है वो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कि वर्षा किन महीनों में होती है और दूसरा है कि सर्वाधिक वर्षा किन महीनों के अंदर होती है। तो जिन महीनों के अंदर जो है वर्षा चलती रहती है कॉन्टिन्यूटी के अंदर, वो है हमारे मई से लेके अक्टूबर तक जो है वो वहाँ पे वर्षा होती रहती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, थाईलैंड में ग्रीष्म ऋतु होती है गर्मी की ऋतु किन महीनों में होती है। तो नवंबर से अप्रैल तक का जो महीने है, नवंबर से अप्रैल तक जो है वहाँ पे गर्मी रहती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। जिस तरह से भारत के अंदर जो है, इंडिया के अंदर नवंबर से लेके अप्रैल तक सर्दी होती है, वहाँ पे जो थाईलैंड का जो मौसम है वो यहाँ से ऑपोजिट है कि वहाँ पे नवंबर से अप्रैल तक है ग्रीष्म ऋतु रहती है और जैसे हमारे उस समय में जो है वो यहाँ सर्दी होती है। इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है 11वां प्रश्न वो करेंगे, किस मौसम में सैलानियों को थाईलैंड में जाने की जो है हिदायत दी जाती है कि वो कौन सा समय है जिसके अंदर जो पर्यटक हैं, जो घूमने वाले जहाँ यात्रा करने के लिए जो यात्री जाते हैं, वो उनको मना किया जाता है कि किस मौसम में उनको जो है नहीं जाना, कि जिन महीनों के अंदर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो थाईलैंड के अंदर बरसात होती है, वर्षा होती है, उस महीनों के अंदर जो है वो थाईलैंड न जाने की जो है सैलानियों को हिदायत दी जाती है। तो उसके बाद हमारा 12वां प्रश्न है, किस तिथि को जो लेखिका ने थाईलैंड यात्रा शुरू की थी उन्होंने, तो लेखिका ने 25 दिसंबर को जो है वो थाईलैंड यात्रा करने का सोचा था और वो 25 दिसंबर को थाईलैंड की यात्रा करने के लिए चल पड़ी थी। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उसने जो है उड़ान भरी थी थाईलैंड के लिए। उसके बाद मैम वॉइस इज नॉट क्लियर, बच्चे आपको अगर मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर तो सिर्फ हैंड रेज करना है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस तारीख को लेखिका ने थाईलैंड यात्रा करने जो है आरंभ की थी शुरू की थी। बच्चे हमारा अगला प्रश्न है कि किस तारीख को लेखिका ने थाईलैंड यात्रा करने का जो है सोचा था, उसने जो थाईलैंड की जो अपनी यात्रा है वो आरंभ की थी शुरू की थी, कि उसने 25 दिसंबर का जो दिन है वो अपनी यात्रा के लिए चुना था। तो 25 दिसंबर का दिन है वो भारत के अंदर और बाहरी देशों के अंदर भी है वो क्रिसमस डे के लिए जो है हम 25 दिसंबर का दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं। ईसा मसीह का जो जन्म दिवस है उसको 25 दिसंबर के दिन हम मनाते हैं। तो इसके अंदर हमारे जो है वो तीन प्रश्न बनते हैं कि लेखिका ने, डॉक्टर रंजना ने थाईलैंड की यात्रा करने का जो दिन है वो कौन सा चुना था, वो था 25 दिसंबर। तो उसके बाद जो 25 दिसंबर का दिन है वो हम किस लिए मनाते हैं, ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके बाद जो 25 दिसंबर का दिन है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन जो है इस जो प्रभु ईसा मसीह का जन्म दिवस है वो पूरे विश्व भर में जो है मनाया जाता है। इसके वजह से जो 25 दिसंबर का दिन है वो इतना महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि लेखिका ने कितने बजे दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जो है वो उड़ान भरी थी। तो लेखिका ने 8:45 को प्रांत, मतलब सुबह उसने 8:45 का जो समय है वो अपनी यात्रा के लिए चुना था। तो इसके अंदर भी हमारे जो तीन प्रश्न बनते हैं कि डॉक्टर रंजना ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपनी यात्रा जो है वो शुरू की थी, तो वो उसने दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपनी यात्रा शुरू की थी। उसके बाद हमारा प्रश्न बनता है कि डॉक्टर रंजना ने दिल्ली के किस हवाई अड्डे से जो है अपनी यात्रा जो है वो आरंभ की थी, शुरू की थी, तो उसके अंदर हमारा आएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। फिर हमारा तीसरा प्रश्न इसी के अंदर बनता है कि लेखिका ने, डॉक्टर रंजना ने कितने बजे दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपनी उड़ान भरी थी, तो उसने 8:45 प्रांत
उसने जो 8:45 के सुबह का जो समय है अपनी यात्रा के लिए जो है चुना था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है हमारा, लेखिका ने कहां से थाईलैंड की यात्रा आरंभ की थी। तो ये हमने पीछे देखा कि लेखिका ने जो है वो दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जो अपनी यात्रा है वो आरंभ की थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि लेखिका कितने बजे जो है थाईलैंड पहुंची थी। उसने दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 8:45 सुबह जो है अपनी यात्रा आरंभ की थी और वो उसके बाद थाईलैंड कब पहुंची, 2:30 पर जो है वो 2:30 शाम को जो है वो थाईलैंड पहुंची थी। उसने वहां पे अपनी जो है अराइवल का जो टाइम था, उसका अराइवल का जो समय था वो था 2:30। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि थाईलैंड की राजधानी कौन सी है। तो थाईलैंड की राजधानी, जैसे जब हमने पार्ट में पढ़ा था कि उसने वीजा ऑन अराइवल लिया था, तो वीजा ऑन अराइवल उसने कहाँ से लिया था, बैंकॉक से लिया था। बैंकॉक से वो आगे वीजा ऑन अराइवल लेके वो कहाँ पहुंचती है, पट्टिया के लिए। तो उसने जो है थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और बैंकॉक से उसने वीजा ऑन अराइवल लिया था कहाँ के लिए, आगे उसने पट्टिया घूमने के लिए, पट्टिया यात्रा करने के लिए। उसके बाद हमारा 17वां प्रश्न है, थाईलैंड से लेखिका आगे कहाँ के लिए रवाना होती है। तो मैंने यहाँ बताया कि बैंकॉक से उसने वीजा ऑन अराइवल लिया था कहाँ के लिए, पट्टिया के लिए। और वो जो मेन डेस्टिनेशन उसने चुनी थी, मेन यात्रा करने का जो महत्वपूर्ण उसने स्थान चुना था, वो पट्टिया ही था, जहाँ पे उसने जो है वो अपनी यात्रा जो है वो आरंभ की थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि प्रभु ईसा मसीह का जन्म किस दिन मनाया जाता है। तो हमने पीछे किया था कि 25 दिसंबर का जो दिन है वो प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में जो है मनाया जाता है। उसके बाद हमारा 20वां प्रश्न है, लेखिका थाईलैंड में यातायात के लिए क्या देखकर अचंभित रह गई, कि उसने जो यातायात करते समय, अपनी यात्रा करते समय जो वाहन थे उनमें कौन सी जो चीज है वो देखी जिससे वो आश्चर्यचकित रह गई, अचंभित जो है रह गई, कि वहां का जो अनुशासन है, वहां का जो डिसिप्लिन है वो देखकर वो बहुत ही दंग रह गई थी। कि उसने क्या देखा जब वो अपनी यात्रा कर रहे थे, तो वहां पे देखा कि जो बत्तियां, जब लाल बत्ती हुई तो सारे जो साधन है, सारे जो यात्रा करने वाले यात्री थे वो वहीं पर रुक गए, और ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक वृद्ध व्यक्ति को जो है वो वहां जो सड़क पार करवाई थी। तो वहां का जो सबसे बड़ा अनुशासन का जो उसने अचंभित रही थी वो यात्रा करते हुए डॉक्टर रंजना, तो वो ये था कि वहां के जो लोग हैं वो ये नहीं कि फॉरन हर जगह पे बसता रहता है। जैसे हम मार्केट के अंदर जाते हैं, हमारे भारत में क्या है कि मार्केट में जाओ तो हर तरफ से हमें जो है फॉरन की जो आवाज है वो सुनाई देती है, व्हीकल्स की आवाज सुनाई देती है। पर वहां पे बहुत ही डिसिप्लिन के अंदर, अनुशासन के अंदर क्या है कि लोग अपनी यात्रा कर रहे थे, किसी तरह का कोई शोर शराबा वहां पे हमसे जो है वो देखने को नहीं मिला। ये सारी चीजें वो देखकर है जो डॉक्टर रंजना है वो बहुत ही अचंभित रह गई। तो आज के लिए बच्चे हमारा जो इतना ही है, इतने ही प्रश्न हैं, आगे के प्रश्न जो है हम अपनी अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।